आप सबका स्वागत है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि हर किसी का सपना होता है मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो, मैं अलग अलग जगह पे यूज़ कर पाऊँ और तब पेमेंट देने की बात हो तो अगले महीने पेमेंट आराम से अपने हिसाब से दी जा सके। लेकिन रियली कुछ कंपनियां किस तरीके से कस्टमर्स के साथ खेल रही हैं सिविल स्कोर को लेके, और क्रेडिट कार्ड हो गया या आपका पर्सनल लोन हो गया, किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे कि सैलरी एम्प्लॉयज़ हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयज़ हो गए या खुद की अपनी कंपनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तब आप पैसा खर्च कर रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर। और सिविल स्कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या तो आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा हो या आप बात करी जाए तो बैंक लोन ले रखा हो कार के लिए, घर के लिए या बाइक के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वहां पे सिविल स्कोर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। उसी को देख के बैंक आपको क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन या होम लोन या कार लोन, कोई से भी लोन हो रिलेटेड वो प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि वहां पे वो देख चुके होते हैं, सिविल स्कोर बताता है कि हाँ ये बंदा जो है वो कंटिन्यू रीपेमेंट करता रहता है और लगातार जो मतलब बात करी जाए तो लोन ले भी रहा है, दे भी रहा है और उस पर इंटरेस्ट भी प्रॉपर तरीके से बैंक को मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बैंक भी प्रॉफिट देखता है, तो इसलिए सिविल स्कोर सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। लेकिन RBI ने अभी 1,01,00,000 रुपये की इन पे पेनल्टी लगाई है, 4 ऐसे सिविल स्कोर कंपनियों पे जहाँ पे कस्टमर्स का डेटे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सबसे पहला जो है नाम वो है बात करी जाए तो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, जिसपे 26,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा। दूसरी आपको देखने के लिए मिलती है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नाम रखते हैं जिससे कि लगता है कि हाँ ये तो पूरी सरकारी कंपनी है, लेकिन इस पर जो मतलब बात करी जाए तो पेनल्टी लगाई गई है वो 24,75,000 रुपये लगाई गई है। और दूसरी बात करें इक्वाफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस पर भी 24,75,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। और बात करें CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस पर 25,75,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। तो टोटल अमाउंट जो हो जाता है वो 1,01,00,000 रुपये का हो जाता है जो कि RBI के द्वारा लगाया गया। तब बात करी जाए तो कस्टमर कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहे थे जहाँ पे मैं ऑलरेडी EMI पे कर रहा हूँ और मेरी EMI वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, या उसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि डिले दिखा के अगले महीने में शिफ्ट दिखा रहा है। तो ये जो कंपनियों का खेल होता है वही सिविल स्कोर, क्योंकि वहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, आपके तरफ से वो क्लोज़ हो चुकी है, बैंक की तरफ से भी क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं ली बैंक से, इसलिए यहाँ पे जो है वो डेटा एंट्री में कुछ एरर आई है जिसकी वजह से जो आपका सिविल स्कोर है वो गिर रहा है और आप खींचने मतलब खींच के कहीं ना कहीं गोल्ड एक्सीलेंट पे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेयर और ये नीचे गिराने पे लगी हुई है। तब कस्टमर्स लगातार कंप्लेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, आप 30 दिन तक वेट करेंगे तब आप अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं, तो वहाँ पे मतलब नीचे कंप्लेंट करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और साथ में आप 30 दिन तक वेट कर सकते हैं। उस दौरान वो ठीक नहीं करते हैं तब आप RBI के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर RBI उस पर एक्शन लेता है। और ये एक दो लोगों के साथ नहीं हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा था, तो फिर RBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और यूज़र्स का सिविल स्कोर इन्फॉर्मेशन इन कंपनियों के द्वारा मतलब इन 4 कंपनियों के द्वारा मतलब एक तो पूरी तरीके से इनएक्यूरेट रहा और बात करी जाए तो इनकम्प्लीट पाया गया। तो उसके बाद RBI ने इन पे पेनल्टी लगाई। लेकिन रियली कि हर किसी के लिए ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जिस पे हम भरोसा करते हैं कि हाँ सिविल स्कोर पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता, कोई मतलब कंपनी या कोई मतलब बात की जाए तो कितने भी बड़े लोग हों उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते, आप अपना पेमेंट कर रहे हैं तभी आपका सिविल स्कोर हाई जा रहा है, नहीं तो आप कितने भी बड़े या छोटे हों डजंट मैटर, आपका सिविल स्कोर जैसा है वैसे ही रखा रहेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का सपना तो ऐसी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा यूज़र्स का मतलब बात करी जाए तो फाइनेंशियल सिविल स्कोर ख़राब करती हैं, जिसके वजह से बैंक डायरेक्टली डिनाई कर देती है, नहीं आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा या आपको बैंक मतलब लोन नहीं देगी। तो यही चीज़ को देखते हुए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं अपनी बात करूँ या बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में क्रेडिट कार्ड बैंक होंगे, कंटिन्यू ड्यू पेमेंट टाइम टू टाइम क्लियर करना, और बात करी जाए तो पूरी तरीके से एफर्ट लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे या बैंक लोन लिया जाता है कि जिससे कि मेरा सिविल और ज़्यादा अच्छा हो, बैंक मुझे और ज़्यादा अच्छा लोन दे पाए।
तो लेकिन वहाँ पे बात करी जाए तो आपकी एरर है इन्फॉर्मेशन में, तो ये जो सिविल ख़राब होगा वो आपके बैंक लोन पे भी इफेक्ट डालेगा, क्रेडिट कार्ड पे भी इफेक्ट डालेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मेरा सिविल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन ये कंपनियाँ ही खेलने पर लगी हुई हैं। तो कोई किसी तरीके की एरर होती है तो फिलहाल तो आप डायरेक्टली कंपनी जो जिस पे चेक कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको आज की डेट में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई एक्शन नहीं लेते तब आप डायरेक्टली RBI के पास जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑनलाइन हेल्प का ऑप्शन मिलता है। तो डायरेक्टली कॉल से, मेल से, मैसेज से, किसी भी तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर RBI पूरी तरीके से एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकारी संस्था बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, नहीं तो ये प्राइवेट का हाथ में दे रहे तो बेड़ा गर्क हो जाए। तो इस तरीके से बात करी जाए तो आपका सिविल कहीं ना कहीं सिक्योर है, लेकिन बताना ज़रूरी था। आपको लगता है कि एरर है और आपने पेमेंट करी है और वहाँ पे किसी तरीके के एरर दिखा रहा है, तो पहले तो वहीं पे कंप्लेंट कीजिए कि मैंने किसी तरीके का डिले नहीं किया है पेमेंट में, मैंने फुल पेमेंट की है, और वो इनकार करते हैं, फिर RBI हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जहाँ पे एक फुल इंक्वायरी बैठती है और पूरी तरीके से प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।